नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का नंबर वन चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अब श्रीनिधि बेटी होंगे धौलपुर के नए जिला कलेक्टर। राजस्थान में भजनलाल सरकार बनने के बाद शुक्रवार शनिवार की रात को पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 72 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। वहीं जारी हुई लिस्ट में 36 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। इसके साथ ही भजनलाल सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के भी 121 अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की, जिसमें कई बड़े विभागों के मुखिया भी बदले हैं। रात को की गई लिस्ट के अनुसार धौलपुर के जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को आयुक्त विभागीय जांच जयपुर लगाया गया है। वहीं अब श्रीनिधि बीटी को धौलपुर का नया जिला कलेक्टर बनाया गया है, जो अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त पद पर कार्यरत थे। ये 2017 बैच के IAS अधिकारी हैं। इसके साथ ही अब धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट होंगे, जिन्हें भिलवाड़ा से लगाया गया है। वहीं धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालकृष्ण तिवारी को उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग भरतपुर लगाया गया है। इसके साथ ही लोक सेवाएं प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग भरतपुर की सहायक निदेशक भारती भारद्वाज को धौलपुर SDM बनाया गया है। वहीं धौलपुर के SDM मनीष कुमार जाटव को बांदीकुई दौसा SDM लगाया गया है। ऐसे ही भरतपुर की SDM सृष्टि जैन को राजाखेड़ा SDM बनाया गया है, जबकि राजाखेड़ा SDM देवी सिंह को मालाखेड़ा अलवर SDM बल लगाया गया है। श्रीनिधि बीटी मूलतः चिकमंगलूर कर्नाटक के निवासी हैं, जो झालावाड़ में वर्ष 2022 में CEO जिला परिषद के पद पर पदस्थापित थे। उस समय चालक के सेवानिवृत्त होने पर स्वयं गाड़ी चलाकर चालक को घर छोड़ने आए तो सुर्खियों में आ गए। इनकी छवि सख्त एवं संवेदनशील प्रशासक के तौर पर है। ये नेत्रदान का भी संकल्प ले चुके हैं।